नमस्कार, आप सभी को स्वागत है गुरुकुल में। मैं हूं आचार्य बापू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो पे कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप खुश रहें और आपके परिवार के सारे लोग खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाए। आज मैं एक ऐसा बीज मंत्र पर चर्चा करने वाला हूँ जिस बीज मंत्र को लेकर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं यूट्यूब में। इसमें बनाने का कोई तात्पर्य नहीं था, लेकिन मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अक्सर लोग ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि श्रीम बीज जाप करो और आप करोड़पति बन जाओ और आप रातों रात आपके पास पैसा आने लगेंगे और सारे कुछ चीज़ हो जाएंगे। हालांकि ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, ये कुछ हद तक सच भी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। वो पहलू है, अगर आप, मैंने जैसे पहले भी कहा था एक वीडियो में कि अगर आप माता लक्ष्मी को अकेले ही बुला रही हो अपने, क्योंकि माता लक्ष्मी को अच्छी तरह से पता है, लोग उनको तभी याद करते हैं जब उनका ज़रूरत होता है, उससे पहले कोई याद नहीं करता है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो याद करते हैं, अभी वो मुझे कहेंगे कि हम तो डेली पूजा करते, मैं आप लोगों की बात नहीं बोल रहा हूँ जो उसी थंबनेल या उसी वीडियो या उसी नेट पे पड़े हुए डॉक्यूमेंट को देख के वो पागल हो जाते हैं कि हमको ये बीज मंत्र जाप करना है और करोड़पति बन जाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि धन का मार्ग नहीं खुलता है, धन का मार्ग अवश्य खुलता है और धन का मार्ग ऐसा खुलता है कि आपको संभाला नहीं जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ जाइए आप। देखिए, लक्ष्मी माता को, माता लक्ष्मी को जब भी हम बुलाते हैं, वो जब श्रीम 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 करते हैं। देखिए, अभी और एक किस्में कन्फ्यूजन आ जाएगा, श्रीम उच्चारण करें, मौ उच्चारण या क्या कुछ उच्चारण करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ना ही म लगाता हूँ ना ही ग लगाता हूँ। संस्कृत में जैसा उच्चारण इंग बिंदी बिंदी में म ग सब उठ जाता है, श्रीम 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 ऐसा उच्चारण करता हूँ। हो सकता है ये कुछ लोगों को खराब लगे और वो मुझे अज्ञानी मूर्ख क्या कुछ बोलने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोलते हैं, उनका वाणी खराब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए श्रीम बीज का मंत्र जाप अगर कर रहे, पकड़ लीजिए आप श्रीम 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 बीज जाप कर रहे हैं, अगर आप श्रीम बीज को जाप कर रहे हैं ना, तो माता लक्ष्मी को आप एक माया स्वरूप में बुला रही हैं। ठीक है, ये माया स्वरूप में ही आएगी वो, क्योंकि जहाँ पे नारायण वास करते हैं वहाँ पे लक्ष्मी वास करते हैं। इसीलिए अगर आपका अंदर लक्ष्मी तत्व को जागृत करना है, उससे पहले आपको दोनों लक्ष्मी नारायण या प्रभु नारायण का तत्व जागृत करना है और आपको उनका भक्ति भी करना चाहिए। ऐसा नहीं, और नारायण ऐसे देव हैं जिनका भक्ति अगर आप कुछ पाने के लिए करोगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो वो देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं और कोई रोक नहीं पाएगा आपको, क्योंकि उनका परीक्षा बहुत बहुत अच्छी तरह से होता है। इसीलिए लोग अक्सर ही कहते हैं कि अरे मैं तो इधर पूजा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, नारायण उपासना कर रहा हूँ मेरे ज़िंदगी में। ऐसा नहीं भाई, आपके ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है, आप समझने की कोशिश करो। इसीलिए कभी भी माई को अगर बुलाते हो आप, लक्ष्मी माई को बुलाते हो, तो वो जब श्रीम बीज में आते हैं तो उल्लू में सवार होके आते हैं। ठीक है, ये आप कहेंगे कि आप देखे हैं क्या उल्लू में सवार होते हैं, ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे कुछ आधार पे मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसलिए श्रीम बीज मंत्र जाप करने से पहले आप उस श्रीम बीज मंत्र, मानो आप 51 माला या 108 माला या 31 माला करेंगे, उससे पहले भगवान जो नारायण जी का या विष्णु भगवान का, जो किसी भी प्रकार का जो भी मंत्र है, विष्णु भगवान का हो, नारायण भगवान का हो, नारायण देव का हो, जो है उनका मंत्र जो है, आपको एक माला कम से कम कर लेना चाहिए। जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवा कर सकते हैं, या ओम नमः नारायण कर सकते हैं, या कुछ भी ओम लक्ष्मी नारायण नमः, या कुछ भी मंत्र जो है आप उनको जाप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप श्रीम बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, इतना अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लक्ष्मी माता को कुछ लोग कैसे पूजा करते हैं कि कभी कभी उनको धन की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए वो पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनके पास जब धन आता है, ना ही वो दान करते हैं, ना ही पुण्य करते हैं, ना ही वो उसी बीज मंत्र को जाप करते हैं, उसमें क्या होता है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। वो जो धन भी आपको मिलता है वो माया स्वरूप में कहाँ चला जाता है आपको पता नहीं चलेगा। कोई कहते हैं कि मैंने तो एक साल तक श्रीम बीज मंत्र जाप किया, मुझे बहुत सारे फायदे हुए, लेकिन अभी नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं होगा, क्यों? आप कभी देखिए, लक्ष्मी तो चला है, लेकिन उसको कहाँ रख सकते हैं आप? जहाँ नारायण का वास होता है लक्ष्मी, उधर ही रहेंगी, आप कुछ भी करो उधर से उनको जाना ही नहीं है। तो वो क्या करना है आपको, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि अगर कोई अपना जो है लक्ष्मी माता का जो आवाहन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं, तो आप पहले नारायण जी का, नारायण भगवान का आप मंत्र जाप करिए, या उनका कोई स्तुति है, कुछ भी है, उनका पाठ कीजिए। उनका पाठ करने के बाद एक महीने तक उनका पाठ कीजिए, अगर आपका अंदर उनका तत्व धीरे धीरे समाहित होने लगेगा, उसके बाद आप जो है माता लक्ष्मी का तत्व को ध्यान दीजिए और उसको उनका मंत्र
सा जाप करिए, उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इतना अच्छा फल मिलेगा कि आप कहेंगे कि हाँ सच में ये काम हो रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैंने कुछ टाइम मेरे ऐसा था कि मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ पैसे के बारे में, पैसे को लेकर कुछ दिक्कत हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने भी इस मंत्र का जाप किया, लेकिन कुछ दिन किया, कुछ फल मिला, फिर बीच में नहीं मिला। बाद में जब मैंने कुछ ऐसा ही नारायण, कोई कुछ नहीं होता है तो आप जो है विष्णु सहस्रनाम भी पाठ कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे अच्छा फल मिलता है ना। तो आप जो साउथ इंडियंस हैं वो तो पद्मावती माता और जो है जो बालाजी भगवान उनका भी शबा करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक साथ में ही शबा करते हैं, इसलिए बहुत सारे समृद्ध लोग उधर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि इधर नहीं, अब कुछ लोग कहेंगे कि इधर क्या नहीं है, ऐसा नहीं, उधर भी लोग रहते हैं समृद्धशाली लोग। तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण का उपासना और माता पद्मावती का जो है उनका श्रीनिवास उनका उपासना जो है बालाजी भगवान के उपासना, ये सारे उपासना आपको करना चाहिए। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे, अभी आप कहेंगे कि हम कितने का उपासना करें, हम एक को साथ, देखिए मैं साधना की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक उपासना की बात बोल रहा हूँ। जो लोग हमेशा अपने दिनचर्या में श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे श्रीम श्रीम श्रीम, कुछ लोग माला से, कोई कमलगट्टे की माला से करते हैं, कुछ लोग स्फटिक की माला से करते हैं, लेकिन आप चाहे किसी भी माला से करें, अगर आप ऐसे ही बैठ के बिना माला में कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ओम नमः भगवते वासुदेव, ओम नमः नारायण, कैसे करके नारायण नारायण कुछ भी करके, आपका जो भी है, आपको अगर कोई मंत्र मिला है या कुछ करके, वो आप चीज़ को करना है। उस चीज़ को करने के बाद आप देखेंगे आपके मन में कितने शांति आएगी, और आपको लगेगा कि नहीं अभी माता लक्ष्मी आपके साथ हैं। तो इसलिए हमेशा यही कहूँगा कि श्रीम बीज मंत्र कभी भी जब जाप कर रहे हैं, उससे पहले आपने आप किसी जो है आप नारायण नारायण भगवान का हो, विष्णु देव का हो, उनका जो है मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, और आप देखेंगे, और आपको धीरे धीरे वो, देखिए लोग अक्सर यही सोचते हैं कि श्रीम जो बीज मंत्र होता है वो खाली पैसे के लिए होता है, धन के लिए होता है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी अगर आपके पास पैसे रहेगा, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। इसलिए अगर आपके पास पैसा है, आपका अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, तो क्या है कि माता लक्ष्मी आपका अच्छे स्वास्थ्य भी प्रदान करेंगे, आपके मन की शांति भी रखेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, उनके पास ज्ञान रहता है, उनके पास सिद्धि रहता है, उनके पास पैसा रहता है, उनके पास साधना रहता है, लेकिन वो दूसरों का खुशी देख नहीं पाते हैं, और वही आग उनको जला देता है, वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, वो क्या है, वो मुझसे आगे जा रहा है। देखिए अगर मानो ऐसा होता है, कोई यूट्यूबर का कुछ वीडियो पे कोई 2-4 व्यू है, और कोई दूसरे यूट्यूबर का वीडियो में 100 व्यूज आ गया, तो वो बोलेगा कि क्यों वो आगे बढ़ रहा है, उसका तथ्य में गलत है, तो उसका ऊपर आके वो कुछ बोलेगा, कमेंट करेगा कि ऐसा ऐसा तूने गलत बोला, ऐसा बोला है। देखिए उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, कि वो अपने प्रारब्ध में जो है जिसका वही मिलेगा। आप चाहे कुछ भी, आप चाहे किसी को उसका पैर पकड़ के खींचो या कुछ भी करो, लेकिन उसका कभी कुछ बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ऊपर उसका इष्ट बैठे हैं। जैसे आपका इष्ट का ऊपर आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंट है कि आपका इष्ट आपको बचाएंगे, उसका इष्ट भी उसका बचाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इष्ट अपने आप में कभी नहीं भिड़ते हैं, वही लोग एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, कोई दूसरे को ज्ञान को काटता है, कुछ जगह। देखिए भाई, दो दिन का ये जिंदगी है, इसमें जितना चाहे पुण्य कमाओ, किसी का बद्दुआ मत ले लो। कोई बद्दुआ दे देगा तो आप कहीं नहीं रहोगे, इसलिए अच्छे कर्म ही करना है। अच्छे कर्म करने के बाद आपको अच्छा फल ही मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आप अगर कभी भी श्रीम बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, श्रीम बीज मंत्र जाप करने से पहले आप नारायण भगवान का थोड़ा आराधना कीजिए, उनको पूजा कीजिए, उनका धूप दीप नैवेद्य ज्योतन देते, उनके पास एक माला आप लक्ष्मी नारायण का मंत्र का, कोई भी मंत्र, आप बहुत सारे मंत्र है, अगर आप बहुत सारे विद्वान लोग जो है उनका पास पुस्तक वगैरह है, उसमें से कुछ मंत्र निकाल के ले सकते हैं, तो उसमें से आप लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप कीजिए अगर आप करना चाहते, उसके बाद आप श्री मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, और आपका मन में शांति रहेगी, आपका मन में जो ईर्षा भावना आएगा, कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मेरे से बड़ा हो गया, ऐसा है, वो ईर्षा भावना आपका मन में कभी नहीं आएगा, और आपका मन में बहुत शांति आएगी, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और आपका धन का आगमन आएगा, और माता लक्ष्मी आपके पास रहेंगी भी। यही है इसका सार। इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय लक्ष्मी माई।